हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन आई वेलकम यू इन द टुडे साइंस क्लास। बेटा, लास्ट टाइम वी स्टडी दैट डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ा सा उस बात पे हम बात करें। यस, तो हम ये बात बता रहे हैं बेटा कि डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हाउ? प्लीज लुक ओनली वन थिंग, यू नो दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर दैट इज H2O। ये हमने देख रखा है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर जो होता है वो H2O होता है। और इसके अंदर अब दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर ये पूरा प्योर डिस्टिल्ड वाटर है तो इसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो इस तरह का होगा, एक तरफ ऑक्सीजन और इधर वन हाइड्रोजन कंबाइंड, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन कंबाइंड। तो इस कंडीशन में जो बॉन्ड बनते हैं उनको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, BOND, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, बट यू नो दिस इज वाट सर, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर की बात बता रहे हम, ये बात होती है डिस्टिल्ड वाटर में। लेकिन जब डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी चीज सॉल्ट एसिड वगैरह जब हम कुछ मिक्स कर देते हैं, देन इट डिसोशिएट इनटू द एच प्लस और OH माइनस आयन। और इस कंडीशन में जो बॉन्ड होता है उसको आयोनिक बॉन्ड बोला जाता है। तो जब कभी भी वाटर में आयोनिक बॉन्ड शो करता है, इट मींस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द गुड कंडक्टर। और इस वाले में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दैट इज द बैड कंडक्टर। इतनी बात समझ आ गई आपको? गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर कंप्लीट होने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। यू नो दैट वी आर यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर दैट कमिंग फ्रॉम द वेल्स, ट्यूबवेल, हैंडपंप, पॉन्ड या टेप वाटर। इनके अंदर कुछ मिनरल साल्ट डिसॉल्व होते हैं नेचुरली। दीज मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमंस टू ग्रो एंड स्टे अलाइव हेल्दी। तो वो नेचुरली जो मिनरल्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए मोस्टली यूजफुल होते हैं और ह्यूमन हेल्थ को मैनेज करने के लिए काम आते हैं। लेकिन जो भी हम ये वाटर यूज करते हैं, ये डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता है। इसमें इसीलिए कभी भी वेट हैंड से या जब हम कभी ऐसी जगहों पर खड़े होते हैं, वेट फ्लोर, वेट हैंड, तो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्ट में आने पर तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, क्योंकि वहां पर आयनिक बॉन्ड होगा। उस कंडीशन में वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेगा और वी आर फीलिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। एक और बात हम आपको बताते हैं, ह्यूमन बॉडी इज आल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? यू नो दैट इन अवर बॉडी नियर अबाउट 70% वाटर क्वांटिटी इज अवेलेबल, इंक्लूडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन इट। तो ध्यान से सुनना, अपनी बॉडी के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ब्लड का प्लाज्मा वगैरह होता है और भी कुछ होते हैं, उन सब के अंदर पूरे वेट का 70% क्या होता है, वाटर क्वांटिटी। तो देखना, वाटर इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है, वाटर इन ह्यूमन बॉडी दैट इज 70% ऑफ वेट। और ये जब कभी भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, बाय द वे, तो इलेक्ट्रिक मतलब जो वाटर 70% है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स अवेलेबल है, इसीलिए हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद एक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं बेटा हम। टू शो वाटर कंटेनिंग एनी सोल्ट, एसिड और एल्कलीज इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि हमारे पास ऐसा वाटर जिसके अंदर सोल्ट, एसिड और एल्कलीज कुछ भी मिक्स होता है, तब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। कैसे? देखिए आप,
टेक 3 beakers एंड हाफ फिल देम विद द डिस्टिल्ड वाटर. हमने क्या करा, 3 beakers ले लिए बेटा. दिस इज द 1, 2 एंड नेक्स्ट दैट इज द 3rd. इसमें ए बी और सी नाम दे दिया और इसको हाफ हमने क्या कर दिया, डिस्टिल्ड वाटर से फिल अप कर दिया. ध्यान से सुनिए आप. और उसके बाद हमने क्या डाला बेटा, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जस्ट ए मिनट, मतलब यहां पर ये तो वाटर तो आपके पास है ही सही, और फर्स्ट वाले में हमने क्या ऐड कर दिया, HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और सेकंड बीकर में हमने कास्टिक सोडा डाल दिया, दैट इज द NaOH. ये वाटर तीनों में अवेलेबल है, इसमें भी वाटर अवेलेबल है और इसमें भी वाटर अवेलेबल है. उसके बाद आगे सुनना. सो ए फ्यू ड्रॉप ऑफ व्हाट, कास्टिक सोडा, और इन द 3rd बीकर एड ए लिटिल शुगर इन इट. इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, शुगर. इतनी बात समझ में आ गई आपके पास. इसके बाद इनको अच्छी तरह से हिलाया हमने और इनको एक एक करके हमने एलईडी के सर्किट से कनेक्टेड कर दिया. ये इस तरह से ऐसे लेकर के और हमने ये प्लस माइनस ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया. तो आप क्या देखेंगे बेटा यहां पर कि द बल्ब विल ग्लो. इट मींस फ्रॉम दिस एक्टिविटी हमने क्या करा, फर्स्ट बार इसमें इस फर्स्ट बीकर में डाला, इसमें हमने HCl ऐड किया था दैट इज एसिड, दूसरे में हमने NaOH ऐड किया था उसमें भी करंट पास हो रहा है, और शुगर को जिसमें हमने डिसॉल्व किया उसमें भी ऐसा हो रहा है. मतलब कि एलईडी जो है ना वो हर केस में, वीक करंट हो हाई करंट हो, हर कंडीशन में वो अपना काम कंप्लीट करेगी. तो इसमें यहां पर हमने इसको एलईडी को कनेक्ट कर दिया और वो एलईडी का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का दिया हुआ है. तो ये हुआ. नाउ वन क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन व्हेन इट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन. टू चेक दिस इट्स कंडक्टिविटी वी ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस आर्टिकल. बेटा अब अपना टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट, दैट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट. सो पहले क्या लिखा है, देखो बात समझना. एक और एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें जो भी कुछ है हम पूरी बात बता रहे हैं आपको. ध्यान से सुनना और समझ रहा हूं. वी अरेंज एन एपरेटस इन दिस मैनर. फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल टेक ए बीकर और इट इज हाफ फिल विद वाटर. ये आपके पास में बीकर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास वाटर क्वांटिटी, और इसके अंदर हमने क्या किया, एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज, इसमें H2SO4 डाला, ओनली ए फ्यू ड्रॉप्स. इतनी बात समझ में आ गई आपको. उसके बाद हमने क्या किया, टू कार्बन रोड और आयरन रोड. हम यहां पे एक चीज सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां पर जो भी हम इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं ना वो या तो आयरन की होंगी या कॉपर की होंगी. इसको इन्वर्ट कंडीशन में लगाया हमने और यहां से हमने इसको कनेक्ट कर दिया फ्रॉम द सर्किट. तो ये इस तरह का अरेंजमेंट होगा और यहां पर हमने इसको बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया. और उसके बाद सुनिए, यहां पर हमने एक छोटा सा की बोर्ड लगा दिया प्लग और इसको कनेक्ट करके और हमने नीचे की तरफ इससे कनेक्टेड कर दिया. अब उसके बाद हमने क्या करा, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली इक्वल शेप और साइज की, उनको वाटर से फिल अप कर लिया इन दिस मैनर. सपोज दिस इज अ टेस्ट ट्यूब 1 और दिस इज टेस्ट ट्यूब 2. इन दोनों को हमने पहले फिल अप कर दिया वाटर से और अपना थंब लगा करके उल्टा करके और इसके यहां पर हमने अरेंज कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब इस तरफ दूसरी टेस्ट ट्यूब इस तरफ. बात समझ में आ गई. उसके बाद क्या करा, वी
अप्लाई द प्लग इन द की, की के अंदर हमने प्लग लगा दिया तो क्या हुआ बेटा, एंड वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स और आफ्टर ए फ्यू मोमेंट वी विल ऑब्जर्व दैट इसमें यहां पर जो भी वाटर क्वांटिटी है ना वो रिप्लेस होकर के उसमें से एयर बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं और ऊपर की जो स्पेस है वो खाली हो जाती है. वी ऑब्जर्व दैट बबल्स ऑफ गैसेस इवॉल्व एट द एंड ऑफ रोड इन द बीकर, मतलब ये यहां पर जो टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं ना इनके ऊपर की तरफ खाली जगह है यहां पर और बाकी जगह पर क्या है वाटर क्वांटिटी इज अवेलेबल. कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें फर्स्ट में जितना स्पेस होगी, फर्स्ट में जितनी स्पेस है उससे ज्यादा स्पेस आपको खाली सेकंड वाले में मिलेगी, मतलब कि इसका जस्ट डबल इसमें होगा. उसके बाद हमने क्या करा कि में से प्लग को हटा दिया और उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से थंब लगा करके सीधा कर लिया, दोनों के थंब को हमने हटाया नहीं. उसके बाद क्या किया हमने सुनना, फर्स्ट वन हमने ये देखा बेटा कि इसमें फर्स्ट में जो भी आपके पास वॉल्यूम था वो वन था और दूसरे में टू, मतलब कि 2:1 रहा आपके पास. फर्स्ट में जो भी था उससे कम इसमें मिलेगा आपको, दैट इज द 2:1. तो यहां पर देखना, अब टेस्ट करते हैं हम कौन सी गैस क्या है. फर्स्ट ऑन टेस्टिंग द बर्निंग मैचस्टिक द गैस इन द टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ द मैचस्टिक इज बर्निंग वायलेंटली. हम बर्निंग मैचस्टिक को फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के पास ले जाते हैं, वो क्या करती है बेटा बर्निंग शुरू करती है और स्पीडली. लेकिन जब आप दूसरी टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग मैचस्टिक को ले जाते हैं और थंब को हटा देते हैं तो एक एक्सप्लोजन की साउंड आपको सुनाई पड़ती है. कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें बी गैस के अंदर जो आपके पास मिला दैट इज द हाइड्रोजन. यहां पर देखना, गैस बर्न्स विद एक्सप्लोजन दैट इज हाइड्रोजन गैस. और नेक्स्ट वन जो हमने पहले टेस्ट किया, बर्निंग वायलेंटली गैस बर्निंग वायलेंटली दैट इज द ऑक्सीजन. बर्निंग वायलेंटली द गैस इज ऑक्सीजन. सो व्हाट वी विल कंक्लूड फ्रॉम दिस दैट इज द गैसेस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब दीज आर द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अब आपको पता है कि जब भी H2O का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें आपके पास क्या होगा, H+ अलग होगा, OH- अलग होगा, ऐसा कुछ होगा. ओके, तो यहां तक की बात अपनी रहेगी. जस्ट ए मिनट, एक छोटी सी बात और हम आपको बता दें इसमें. द फिनोमिना कॉजिंग द केमिकल चेंजेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब जितना भी प्रोसेस अपन ने देखा ना, इलेक्ट्रिक करंट पास होने से जो प्रोसेस डेवलप होता है केमिकल इफेक्ट, सॉरी जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. अब इसमें जो भी लिक्विड यहां पर भरा जाता है उसका नेम होता है इलेक्ट्रोलाइट. प्लीज रिमेंबर दिस वन. व्हाट सर, फर्स्ट नंबर दैट इज द केमिकल इफेक्ट होने के बाद हमने नाम दिया इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, लिक्विड यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, और दूसरी बात आ रही है आपके पास, दैट इज द कार्बन रोड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स. किसको बोलते हैं, कार्बन रॉड यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस. कितनी बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रोड्स में टू टाइप्स आपके मिल जाएगी, पॉजिटिव जो होगा उसको एनोड बोला जाएगा
और नेगेटिव जो होगा उसको कैथोड बोला जाएगा। ओके, सो द रोड और प्लेट थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट एंटर और लीव्स, मतलब जिससे इलेक्ट्रिक करंट एंटर होता है या बाहर निकलता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स टू रोड्स होती है, ये टू टाइप्स होती है, जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ती है उसको एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव से जुड़ती है उसको कैथोड बोलते हैं। ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे। ओके, थैंक यू वेरी मच।